सिंगरौली में पदस्थ प्राथमिक शाला के शिक्षकों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। शिक्षकों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उन्हें उनकी सैलरी दिलवा दी जाए। प्रदेश में प्राथमिक टीचर की भर्ती होने के 6 माह के बाद भी सिंगरौली जिले के तकरीबन 600 टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है। जिले भर में पदस्थ टीचर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सभी टीचर एकत्रित होकर कलेक्टर अरुण कुमार परमार की जनसुनवाई में पहुंचे और मांग की कि हमारी 6 महीने से रुकी सैलरी जल्द ही दी जाए। वहीं इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी SB सिंह ने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। सैलरी नहीं आई, उस प्रोसेस के लिए हम लोग सर से मिलने आए थे। 6 महीने हो गया, हम लोग का ट्रेजरी कोड नहीं बनाया अभी तक। बता रहे हैं सर लोग की पोस्ट ऊपर से सेंक्शन नहीं हुई, बट हम लोग अदर स्टेट के अदर उसके हैं जिलों के, तो हम लोग को वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सर कि हम लोग का रेंट पे रह रहे हैं, सब कुछ हम लोग को करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए, तो उसको हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ट्रेजरी में पद ना दिखने के कारण नहीं मिल रहा, और ये समस्या कोई अपने जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ टीचरों की भर्ती हुई है की बात से हम सहमत हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे, ऊपर भोपाल स्तर में बात करेंगे और समस्या का निदान कराएंगे। बिल्कुल मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, हम 15 दिवस में कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या का निदान। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, Unlocking Potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।